हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। इसे उत्तराखंड में पत्तियूड़ भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी तो है ही। तो सबसे पहले हम इसके डंठल काट देंगे और जो इसका ये मोटा वाला पार्ट है, स्टेम्प वाला, इसको हल्का हल्का सा हम दबा देंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। नहीं तो ये गले में लगता है और खाया नहीं जाता है। तो जो भी आपको ऐसे मोटा सा पार्ट लगे इसका, उसको हल्के हल्के से आप इस तरह से दबा दें किसी भी चीज़ से, और जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको काट दें। ऐसे मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब एक बाउल में हम 2 कप बेसन लेंगे। इसमें डालने के लिए हमें चाहिए लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। इन तीनों का हमें पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। ये बारीक पेस्ट बना लिया है मैंने। अब इसे हम बेसन में डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अरबी के पत्तों में। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंडर जार में इसमें ही डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें पेस्ट की कंसिस्टेंसी का एक घोल बनाना है। तो धीरे धीरे करके पानी मिलाएं और इसको इस तरह से मिलाते जाएं। ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ये परफेक्ट है एकदम। अब हमें जो हमने पत्ते तैयार करके रखे थे उसमें ये बेसन का घोल लगाना है एक एक करके। तो इसी तरह से हाथ से फैलाएंगे इसको अच्छे तरह से पूरे पत्ते में। सबसे बड़ा वाला पत्ता नीचे रखेंगे हम, इसके ऊपर हम छोटे छोटे पत्ते रखेंगे, और इसी तरह से तीसरा पत्ता रखेंगे, इसमें भी घोल लगाएंगे। और चौथा पत्ता रखेंगे। तो मैं 4 पत्ते एक साथ रख रही हूँ। अब इस तरह से इन्हें फोल्ड करेंगे और इसमें बेसन का घोल लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके इस तरह से घोल लगाएंगे। अच्छी तरह से हर जगह घोल लगा लेना है। और इस तरह इसका एक पैकेट तैयार कर लेना है हमें, इस तरह से फोल्ड करके। एक हिस्से को दूसरे हिस्से के अंदर डाल दें और ये सील हो जाएगा। ये देखिए, हमारा एक पैकेट तैयार है अरबी के पत्तों का। ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। बड़ा पत्ता नीचे, उसके बाद उसके ऊपर छोटे पत्ते। 3 या 4 पत्ते आप रख सकते हैं आराम से। 4 से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो वो फिर पकते नहीं हैं। तो 4 पत्ते काफ़ी हैं। बरसात में ये आसानी से मिल जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और सोडियम बहुत कम होता है, और किडनी के लिए भी ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इन्हें आप किसी न किसी तरह पकाकर ज़रूर यूज़ करें। इनको कच्चे कभी यूज़ ना करें, हमेशा इनको पकाकर यूज़ करें, तो ये बहुत ही बेनिफिट देते हैं। ये इस तरह से हमारा दूसरा पैकेट तैयार हो गया है। अब मैंने मोमो का बर्तन लिया है, हमें इन्हें स्टीम करना है। तो आप कोई सब्जी वाला छन्नी भी ले सकते हैं। तो मोमो के बर्तन में मैंने तेल लगा लिया है। अब इसमें हमें इसको 30 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रखना है। धीमी आँच में 30 मिनट तक इसको आराम से पकने दें। ये हमारे 30 मिनट हो गए हैं, और हमारे अरबी के पत्तों के जो पैकेट्स बनाए थे ये भी अच्छे से पक गए हैं। इन निकाल लेंगे और अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 1/2 घंटा के लिए। जब ये ठंडे हो जाएं अच्छे से, तो हमें इनको कट करना है। गरम गरम में ये हैंडल करने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और टूटते हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। तो ये काम करने में ईजी हो जाते हैं। ये इस तरह से स्क्वायर पीस काट लें इनके। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, कड़ी पत्ता। हमें अरबी के पत्ते इसमें डाल देने हैं। अब इन्हें अच्छे से इसके तेल में हमें भूनना है थोड़ी देर, और हमारे अरबी के पत्तों की सब्ज़ी तैयार है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी।
पर याद रहे इसको अच्छे से पकाना है, नहीं तो ये गले में लगता है और खाया नहीं जाता है। तो ये धीमी आंच में 30 मिनट तक आराम से इन्हें पकाएं तो ये अच्छे से पक जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।